दोस्तों ये हमारे पास iPhone 14 और Realme 10 4G। तो फ्रेंड्स आज मैं करने वाला हूँ इसका कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे गाइस प्राइस के हिसाब से मत देखो, यहाँ पे आपको iPhone के अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है। तो किसी किसी को लगता है ना कि मेगापिक्सल बहुत ही ज़रूरी होता है कैमरे के लिए, तो लेट्स सी आज हम चेक करने वाले कि कौन बेटर है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास iPhone 14 वर्सेस Realme 10। तो गाइस बात करते हैं पे iPhone 14 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 12 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं पे Realme 10 की, तो यहाँ पे भी आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं पे दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको iPhone 14 के अंदर 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं पे Realme 10 की, तो यहाँ पे आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने काफी सारे फोटोज और वीडियोज क्लिक किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Realme 10 और इसी iPhone 14 के फ्रंट कैमरे को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक फ़ोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो गाइस आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
अभी जो अपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखो, मैंने इसी आईफोन 14 और इसी रियलमी 10 के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो गाइज मुझे आईफोन का सेल्फी कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यू नो रियलमी 10 का सेल्फी कैमरा अच्छा है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फोटो जो ब्राइट कर देता है। और गाइज जो हमने रूम के अंदर सेल्फी कैमरे से फोटोज़ क्लिक किए थे वो डेफिनेटली रियलमी 10 का अच्छा है। आईफोन नेचुरल फोटोग्राफी कैप्चर करता है तो ऐसा भी नहीं है कि हर बार नेचुरल ही फोटोज़ चाहिए यार, ब्राइट भी फोटोज़ चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप डायनामिक रेंज के हिसाब से फोटोज़ जो डार्क कर दो या ऐसा नेचुरल टाइप का क्लिक करो व्हाटएवर। तो उस हिसाब से मुझे आईफोन का सेल्फी कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पे ऐसे कमेंट मत करना, अरे भाई तू पागल है क्या, इतना कम पैसे वाले फोन को मतलब इतने महंगे फ़ोन से कंपेयर कर रहा है, ऐसे कमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ, मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ऐसी पागलों जैसे कमेंट्स बिल्कुल भी मत करना, मुझे सब पता है किसके कैमरे की क्वालिटी कैसी है, यू नो मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो एपी गाइज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।